कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय है, नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। आज तक हिंदुस्तान के किसी शहीद के पिता को इस देश के कैमरों ने रोते हुए नहीं देखा है। यह हिंदुस्तान के तिरंगे की ताकत है। पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोले आई, मां वही जो दूध से इस देश की रज तोले आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोले आए। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाए। है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया। क्या बात है। नमन उस देहरी को जहां तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। क्या बात है। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। तो घाटी में क्या कहते हैं, दहशतगर्दी फैलाओगे तो जन्नत मिलेगी, तो हम दे रहे। हमने लौटाए सिकंदर
सर झुकाए माथ खाए हमसे भिड़ते हैं वे जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा दिवाकर, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। आखिरी बन सुनिए, कौन है वो लड़का? ये कविता मैंने क्यों लिखी मैं बता देता हूँ। कारगिल का युद्ध चल रहा था, मैं नैनीताल में छुट्टियां मनाने गया हुआ था। मैं निकला घर से बाहर, अपने होटल से बाहर, देखा पूरा नैनीताल बंद है। मैंने सोचा भीमताल चलते हैं, वहां गया पूरा भीमताल बंद। मैंने कहा क्या हो गया? बोले नैनीताल का एक लड़का मेजर राजेश अधिकारी कारगिल में शहीद होकर तिरंगे में लिपट के आया है। तो मैं उसे उसके शवदाह में मैं भी चला गया। मैंने सोचा छुट्टी कैंसिल, मिलने जाते। मैं बहुत अभिभूत हूं, सामने लोग रो रहे हैं, ये किसी भी पद्मश्री से बड़ा है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ज्योतिषीय गणना है, अगर बहुत दिन तक किसी के पुत्र पैदा ना हो तो पिता को व्रत करने के लिए कहा जाता है कि सोमवार के व्रत कर लो। तो अपने बेटे को मुखाग्नि देने के बाद बहुत देर खड़े खड़े उन्होंने अपने बहनोई का कंधा पकड़कर कहा, इसके लिए मैं एक साल सोमवार भूखा रहा। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, जवानी जियो तो अच्छी, अगर जीना है तो 26 साल की भगत सिंह की जिंदगी ज्यादा अच्छी है 80 साल की गली जिंदगी से। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की गथाओ, राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की गथाओ, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। यह नमन उनको। शहीद जब ऊपर पहुंचता होगा तो भगवान के यहां भी फेस्टिवल होता होगा कि हीरो आया है।
है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पा शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए है नमन उस देहरी जहां तुम खेले कन्हैया घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए है नमन उनको कि जिनके सामने बोना जोरदार हुआ।